हाय फ्रेंड्स, आई एम सोम्या। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद सोम्या। आज हम बनाएंगे मिल केक घर पे। बहुत ही टेस्टी बनेगा एंड बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। इसे हम सिर्फ मिल्क से ही बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं मिल्क केक बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम 1.5 लीटर फुल फेट मिल्क लेंगे। मीडियम फ्लेम में मिल्क में एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए अब उबाल आ गया है, तो बस इसी टाइम पे फ्लेम को लो करके लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारा मिल्क आधे से भी कम ना हो जाए। मिल्क केक बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम यह है कि मिल्क केक को आपको रिड्यूस करना होता है, आधे से भी कम करना होता है। देख सकते हैं मिल्क रिड्यूस हो गया है। बस इसी टाइम पे फ्लेम को लो करके 3 से 4 इलायची डालना है फ्लेवर के लिए। मीठा के लिए 3 टेबलस्पून जागरी पाउडर भी डालना है। इसे कलर भी मार्केट जैसा ही आता है, टेस्ट भी मार्केट जैसा ही रहता है। एंड अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें से इलायची के छिलके निकाल देंगे। एंड देन मार्केट जैसा दानेदार बनाने के लिए उसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। गैस को फ्लेम को इसी टाइम पे लो करके ही डालेंगे। देन फिर से फ्लेम को मीडियम हाई में करके कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे दानेदार बन रहे हैं। बस कंटिन्यूस चलाते जाएंगे जब तक थिक ना हो जाए। देखिए बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगा तब उसी टाइम पे गैस को ऑफ कर देंगे। एक प्लेट लेंगे, प्लेट में घी लगा लेंगे ऐसे ताकि हमारा मिल्क केक चिपके ना। अब मिल्क केक को अच्छे से प्लेस कर देंगे ताकि सेट होने के बाद अच्छे से कट हो जाए पीसेस में। मैं यहाँ रात भर फ्रिज में रखी थी सुबह कट की। आप चाहे तो एटलीस्ट 4 घंटे रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं सर्व करने से पहले। मैं यहाँ पे पीसेस में कट करके ऊपर कुछ चॉप्ड पिस्ताचू से डेकोरेट की हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, दिख रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। सो ये आसान सी रेसिपी घर पे बनाइए एंड कैसा लगा कमेंट करके बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।